हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत डिटेल से। इसके ऑब्जेक्ट हमारे पास है क्या? तो अभी ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने कुछ एक वीडियो बनाई भी थी कि ऑब्जेक्ट हमारे पास रिसीवर ऑफ कनेक्शन होता है, लेकिन डिटेल से नहीं थी। तो हियर वी आर गोइंग टू हाउ टू नो ऑब्जेक्ट। दिस इज व्हाट आवर टुडेज वर्क इज। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट फॉर। अब ऑब्जेक्ट को आपने पहले जानना चाहिए कि ऑब्जेक्ट हमारे पास होता क्या है। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, आपने इसकी तारीफ कुछ इस डेफिनेशन कुछ इस तरह कर दी नहीं है कि द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, मतलब जो काम को हासिल कर रहा हो आपने इसको ऑब्जेक्ट कह देना है। लाइक फॉर एग्जांपल, आई जस्ट वांट टू से हियर आई टीच यू। तो पढ़ाना हमारे पास वर्ब है। कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ। और आप रिसीवर हो, मतलब आप टीचिंग को रिसीव कर रहे हो तो आप रिसीवर हो। तो मैंने कह भी दिया कि रिसीवर ऑफ एन एक्शन, काम को जो शख्स या चीज हासिल कर रहा हो, तो आपने इसको ऑब्जेक्ट कह देना है। तो दैट इज व्हाट द डेफिनेशन वी हैव। लेकिन अब ऑब्जेक्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ऑब्जेक्ट को आप किस तरह जानो कि ये रिसीवर है भी कि नहीं है? वह कभी कभार पास आ जाता है। अब लोग क्या समझते हैं कि वर्ड के बाद जो वर्ड आ जाए, कोई भी वर्ड हो, आप इसको ऑब्जेक्ट कहोगे। लेकिन दैट इज नॉट द कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट वैसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट में आपने ये ढूंढना है कि रिसीवर है कि नहीं है, जो आपने यही ढूंढना है। तो मतलब जब ये रिसीवर होती है तो आपने इसको ऑब्जेक्ट कह देना है। अगर रिसीवर नहीं होती सो डोंट कॉल इट एन ऑब्जेक्ट, पर आप इसको ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। तो दैट्स व्हाट द कॉम्प्लिकेटेड थिंग इज। और लोगों का क्या मानना होता है कि वर्ब के बाद जो भी आ जाए इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, दैट्स रॉन्ग। सो हियर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड अ फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास? So let's get started and learn that. ऑब्जेक्ट के पास जो फॉर्मूला है, आपने ये क्लियर कर देना कि इन ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, कैन बी अ पर्सन और थिंग। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है या तो एक चीज होगी या एक पर्सन होगी। मतलब ऑब्जेक्ट हर कोई भी चीज नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट या तो पर्सन होगी हमारे पास या तो थिंग होगी हमारे पास। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कि एन ऑब्जेक्ट डिमांड्स फॉर व्हाट एंड हु फ्रॉम अ वर्ब। अब अगर एक वर्ब के बाद आपके जहन में एक सवाल आता है कि व्हाट या हु आ जाए, मतलब व्हाट क्या, और हु का मतलब, व्हाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन। अब अगर आपके जहन में वर्ब के बाद ये सवालात आते हैं कि क्या या कौन, तो आप उस वर्ब के बाद जो भी लगाते हो वो हमारे पास ऑब्जेक्ट ही होगी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखूं कि लेट सपोज आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, तो स्पीक के बाद जहन में एक सवाल उठता है कि क्या बोलते हो। तो व्हाट का सवाल उठ गया जहन में, और मैंने कहा भी है कि एन ऑब्जेक्ट डिमांड्स फॉर व्हाट एंड हु फ्रॉम अ वर्ब। तो वर्ब से यहाँ पर डिमांड हो गई व्हाट की। अब व्हाट की आंसर को मैं सेटिस्फाई कर रहा हूँ बाय पुटिंग अ वर्ड हियर। अब जिस वर्ड को मैं लगाऊंगा तो आप इसको ऑब्जेक्ट ही कहोगे। आई स्पीक इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश को ऑब्जेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिमांड हो गई व्हाट की फ्रॉम अ वर्ब से। वर्ड की आंसर मैंने इंग्लिश की वजह से दे दी, तो ये हमारे पास बन जाएगी ऑब्जेक्ट। क्लियर दैट? एंड सिमिलरली यू कैन सी ऑब्जेक्ट हमारे पास थिंग है, तो मैंने कहा भी है कि थिंग और व्हाट, यू नो दे बोथ आर जस्ट यूज्ड फॉर अवर फॉर एन ऑब्जेक्ट डिमांडेशन। तो सिमिलरली यहाँ पर व्हाट की डिमांड हो गई, व्हाट के आंसर सेटिस्फाई हो गया इंग्लिश की वजह से। सो व्हाट, जब आप व्हाट के आंसर को सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप इसको ऑब्जेक्ट कहोगे। एंड द वेरी सेकंड थिंग, मैंने बस पहले लिखा है कि ऑब्जेक्ट कैन बी पर्सन और थिंग, तो ये तो पर्सन नहीं है, थिंग है, फिर भी ऑब्जेक्ट बन गई यहाँ पे। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू पुट अनदर एग्जांपल। अगर मैं कहूँ कि आई ईट, मैं खाता हूँ, तो जहन में एक सवाल उठेगा कि व्हाट, क्या खाते हो। तो व्हाट की आंसर फिर से द आंसर विल बी गिवन, अगेन व्हाट की क्वेश्चन आ गई यहाँ पे, आंसर विल बी गिवन बाय पुटिंग आई ईट एन एप्पल। Now think about that. An apple is actually the answer of what? ये तो what की answer है। अब जब वो answer बन गई, तो अब इसको फिर से object कहोगे, और ये person ही है, thing है, once again, so it is called an object. अब दूसरा मैंने formula लिखा है who की। who की क्या है? For example, अगर मैं कहूँ कि I promised, मैंने वादा किया, तो आपके जहन में एक सवाल आएगा किसके साथ किया है? Person की demand होगी, कौन की demand होगी? अब मैंने वादा किया तो who?
या होम किसके साथ किया है आपने, तो मतलब यहाँ पर डिमांड होती है हु की, जब कौन की डिमांड होती है, पर्सन की डिमांड होती है, तो मैंने कहा भी है कि पर्सन जब आप लगाओगे पर्सन को भी आप कहोगे आप ऑब्जेक्ट। सो आई प्रोमिस, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया यू, तो ये तो मेरा आंसर दे दिया हु का, जब मैंने हु का आंसर दे दिया तो इसको मैं ऑब्जेक्ट कहूंगा, और यू हमारे पास पर्सन होता है तो ये बन जाएगी ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को की डिमांडेशन के लिए, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपने इसी फॉर्मूले को याद रख देना है कि ये तो या व्हाट की डिमांड करेगी या हु की डिमांड करेगी, जब कोई ऐसा डिमांड्स हो रही हो तो आपने तब ही इसको ऑब्जेक्ट कह देना, अगर इफ देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा सो देन डोंट कॉल इट एन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट की तरह एक और वर्ड भी हमारे पास आता है जिसको हम कहते हैं एडवर्बियल। अब एडवर्बियल क्या है, एडवर्बियल जो हमारे पास होता है इट शोज प्लेस एंड टाइम, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, मतलब उसी ही की जगह इस्तेमाल होता है, उसी की जगह मतलब प्रोनाउन की तरह नहीं, उसी ही की जगह मतलब ये ऑब्जेक्ट भी वर्ब के बाद आता है, एडवर्बियल भी हमारे पास वर्ब के बाद आ सकता है, तो जब वर्ब के बाद आता है तो फिर लोग इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं होते क्योंकि वो प्लेस एंड टाइम होता है। और मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट पर्सन और थिंग होगी, ऐसा ऐसा नहीं है कि आप हर कोई भी चीज़ डालो उसको ऑब्जेक्ट कहो, नो, यू विल जस्ट लुक एट द फॉर्मूला एंड इट थिंक अबाउट इट, दैट पर्सन है कि थिंग है, जब पर्सन और थिंग हो ऑब्जेक्ट कहोगे, प्लेस और टाइम हो तो एडवर्बियल कहोगे। उसके लिए भी मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे कि इट demands for where and when from a verb। अब जब verb से where मतलब place वाली मतलब कहा our कब ये वाली demand होती है verb के बाद, जिस तरह what और who का होता था, तो अगर ऐसी demand होती है verb के बाद आप इसको adverbial कहोगे। like for example अगर मैं कहूँगी I go, मैं जाता हूँ, now think about it, मैं जाता हूँ, आपके जहन में एक सवाल है कहाँ जाते हो, so a question comes here, where, अभी question आप नहीं लगाओगे, ये तो सब जहन में आएगा ये सवाल, I go, मैं जाता हूँ, a question comes, कहाँ जाते हो, where, तो मैं answer देता हूँ यहाँ के कि home, तो home हमारे पास कहा कि demand होगी यहाँ पे, और मैंने कहा का answer दे दिया home, तो प्लेस आ गया यहाँ पे, और प्लेस को हम कहेंगे एडवर्बियल। अब अगर कोई इसको ऑब्जेक्ट कह देता है तो ये तो रॉन्ग है, अब इसको आप क्या कहोगे, आप इसको एडवर्बियल ही कहोगे। सिमिलरली अगर मैं कहूँ अनदर सेंटेंस, आई स्लीप, मैं सोता हूँ, आई स्लीप, तो जैन में एक सवाल आता है कब सोते हो आप, वेन, वेन की डिमांड होती है मतलब टाइम की डिमांड होती है, तो आई स्लीप और मैं वेन की जवाब दे देता हूँ कि एट नाइट टाइम और जस्ट एट नाइट, तो एट नाइट हमारे पास टाइम है, और जब टाइम आ रहे तो अब भी आप ऑब्जेक्ट इसको नहीं कहो एडवर्बियल कहोगी, तो ये भी बन जाएगी क्या एडवर्बियल। अब यू हैव टू बी क्लियर कि ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होती है वो पर्सन और थिंग होती है, लेकिन एडवर्बियल जो होती है वो प्लेस और टाइम होती है। अब दोनों में फर्क क्या है, दिस इज व्हाट द लॉजिकल क्वेश्चन इज, कि दोनों में फर्क क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आई एम टेलिंग यू दैट आई एम playing cricket in the ground, you can see here yahan par I ko hum subject, helping verb, verb, object or adverbial, ab object or adverbial kyun maine kaha, because I am playing, main khel raha hu, a question comes what, kya khelo, to maine jawab de diya to ye object ban gaya, matlab what ki wajah se, the formula is almost written here what, यहाँ पर वेयर को मैं ग्राउंड को मैंने कह दिया एडवर्बियल, क्योंकि जहन में एक सवाल है कि कहाँ खेलते हो, तो मैंने कहा इन द ग्राउंड, सो इन द ग्राउंड हमारे पास वेयर का आंसर है, तो मैंने इसको कह दिया एडवर्बियल। अब यू हैव टू बी क्लियर कि दोनों में फर्क क्या है, तो दोनों में फर्क यही होता है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है आप इसको कांट बी ड्रॉप्ड, आप इसको ड्रॉप नहीं कर सकते, दैट इज वेरी सिंपल, बट जब हमारे पास एडवर्बियल आता है इट कैन बी ड्रॉप, अब आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज इन द ग्राउंड को मैं रिमूव कर देता हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, स्टिल द कंसेप्ट इज क्लियर, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो मतलब इट कैन बी ड्रॉप, अब इसको ड्रॉप कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन जब अगर आपने ऑब्जेक्ट को ही ड्रॉप कर दिया, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो आप क्या खेल रहे हो, अ क्वेश्चन कम्स हियर, यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि क्या खेल रहे हो, तो ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप इसलिए नहीं कर सकते अगर आपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, सो द मीनिंग विल नॉट बी क्लियर, आपकी जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होगी, और जब मीनिंग क्लियर नहीं होती तो फिर आप इसको सेंटेंस ही नहीं कह सकते, मैंने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है कि सेंटेंस क्या होते हैं, तो आप जब मीनिंग क्लियर नहीं होती तो सेंटेंस नहीं कहते, तो मतलब क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ड्रॉप
बट एडवर्बियल कैन बी ड्रॉप, इसका मतलब एक और भी हो गया कि ऑब्जेक्ट हमारे पास परमानेंट है लेकिन एडवर्बियल एक्स्ट्रा है, तो जब एक्स्ट्रा चीज होती है अब कहीं भी लगा लो, लाइक फॉर एग्जाम्पल टुमारो हमारे पास टाइम है और टाइम को हम एडवर्बियल कहते हैं, अगर मैं कहूँगी टुमारो आई विल कम, टुमारो आई विल कम, सो टुमारो को मैंने बिगनिंग में लगा दिया, पहले लगा दिया, इट्स नॉट अ बिग डील, इट इज ओके, अगर मैं कहूँ कि आई विल कम टुमारो अब इन में लगा दिया, दैट्स नॉट अ बिग डील, तो एडवर्बियल हमारे पास इसी एक्सप्लेनेशन के बिना पर इसको आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हो, अगर एक्स्ट्रा हो गई तो एक्स्ट्रा कैन बी रिमूव, कैन बी एडेड, कैन बी पुट बिगनिंग लेटर ऑन एट द एंड मिडल ऑफ द सेंटेंस, यू कैन एड इट एवरीवेयर, दैट्स नॉट अ बिग डील, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कह दिया कि इट कैन बी ड्रॉफ्ट, कैन बी एडेड, can be done anything with that. So आप इसको adverbial कहोगे because it is an extra thing, but object जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, object एक ऐसा चीज है जो आप जरूर लगाओगे. अब sentence यहाँ पर तो आप आपके जहन में ये सवाल है कि home भी तो यहाँ पर जरूरी है लेकिन इतना जरूरी नहीं है. अब अगर कोई शख्स आपको कहे कि आयो मैं जाता हूँ और आप कहे कि what, so he will repeat the words that he uttered, जो अल्फाज उसने कह दिए वो फिर इसको repeat कर देंगे, क्योंकि वो ये इसको जहन में ये आ गया कि आप जो मैंने कह दिया आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसने से कहा, अगर कि आपसे उर्दू में कहे कि मैं जाता हूँ तो आप कहोगे क्या, तो क्या मतलब मैं जाता हूँ, फिर से कहे अब अगर आप फिर से कहो क्या तो फिर वो कहे कि मैं जाता हूँ, क्योंकि उसका जो वर्ड्स है वो आपको क्लियर है, ही हैज जस्ट क्लेरिफाइड यू, तो आपको क्लेरिफाई कर दिया है उन्होंने, लेकिन वो अब अगर आप व्हाट कहो तो व्हाट का मतलब यही होता है कि वो समझ रहा है कि आप उसकी अल्फाजों को नहीं समझ रहे, तो वो फिर से रिपीटेशन कर देगा, लेकिन आप वेयर कहो तो आप उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो कि आप जाओगे लेकिन कहाँ जाओगे, दैट्स व्हाट द थिंग इज, सो हियर वी हैव द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, आई थिंक सो दैट इट्स क्लियर, एडवर्बियल जो हमारे पास पड़े हैं वो भी क्लियर हो गए, इफ यू नीड दिस वीडियो सो सब्सक्राइब द चैनल, डोंट फॉरगेट इट, and if you have any kind of question related to the topic or related to English language, everywhere you have a question, so you can just ask me there in the comment box, and hopefully I can say that the lesson was really fruitful, and see you inshallah in next video, till then take care.